In today's lecture, we will study about relative motion in 1D. That is a topic of kinematics, class 11th physics. So let's start the relative motion in 1D. We will read two cases in relative motion. First, I will tell you that when two bodies are moving, when two bodies are moving in same direction, basically दो केस के बारे में हम लोग relative motion in one dimension में पढ़ेंगे. तो केस क्या है, पहले इसको conceptually हम लोग understand करते हैं. suppose ये कोई road है, ठीक है, जहाँ पे कोई एक car, मान लेते हैं v1 velocity से या va velocity से जा रहा है. va velocity से एक car चल रहा है. अब अगर हम सड़क पे यहीं सामने अगर ग्राउंड पे खड़े होकर इस कार को अगर वॉच करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी मान लेते हैं कि अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, अब ये कार 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है सड़क पे, और वहीं ग्राउंड पे खड़े होकर अगर कोई ऑब्जर्वर इस कार को चलते हुए देखेगा, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लिखेगा, इस ऑब्जर्वर को, और इस ऑब्जर्वर को ओ मान लीजिए, तो इस ऑब्जर्वर को 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही ये कार दिखेगा. लेकिन अगर हम इस ऑब्जर्वर को इसी सड़क पे एक दूसरी कार पे, सपोज ऑन द सेम रोड, यहीं पे ये ऑब्जर्वर अब यहाँ के बजाय इस कार के अंदर जाके बैठता है, ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे इस कार के अंदर जब जाके बैठता है तो क्या देखेगा, अब जब इस ये सड़क पे खड़ा हो कि इस कार को चलता हुआ देख रहा था, तो इसे 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था. लेकिन अब ऑब्जर्वर जैसे ही एक दूसरी कार में जाके बैठेगा, तो क्या इसे अब भी 40 किलोमीटर से चलता हुआ दिखाई देगा, अगर इसका डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर अगर इसी तरफ है जिधर ये कार VA जा रहा है, ठीक है, ये कार A जिधर जा रहा है उधर ही अगर ये ऑब्जर्वर चलता हुआ जा रहा है, तो अब इसे ये कार 40 किलोमीटर से चलता हुआ नहीं दिखेगा. अगर सपोज इसकी कोई स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है मान लेते हैं, तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है, इस ऑब्जर्वर को ये कार 20 किलोमीटर के स्पीड से, मतलब ये कार भी इसको 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता हुआ दिखेगा. तो बेसिकली रिलेटिव मोशन इसी को कहते हैं. देखिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा जो था वो सेम था, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में जो चल रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, राइट, लेकिन एक ही ऑब्जर्वर जब उसे सड़क से खड़ा होकर देख रहा है, सड़क किनारे खड़े होकर, तो उसे 40 से चलता हुआ दिख रहा है. वही ऑब्जर्वर जब इस कार के पीछे दूसरी कार में बैठ के इसके पीछे पीछे चलना शुरू करता है, तो उसे 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता हुआ दिखता है. तो बेसिकली जो ये वेरिएशन आया इसकी स्पीड में ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, एक बार इसे एक जगह एक फ्रेम से इसे 40 दिखा, एक फ्रेम से इसे 20 दिखा, एक्चुअल में ये 40 था. तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिपेंड करता है हम किस फ्रेम से उसे देख रहे हैं. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक बॉडी कैसे एक ही ऑब्जर्वर को दो अलग अलग फ्रेम में दो अलग अलग स्पीड से दिखता है. बेसिकली दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड. सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. अच्छा, इसमें एक केस और भी आपका आता है जब दो बॉडी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ दिखे. जैसे इसी में मैं अभी समझा देता हूँ, फिर इसका मैं फॉर्मूला बताऊँगा इसके केसेज कैसे निकालते हैं. अगर यही ऑब्जर्वर को इस कार में बैठा दिया जाए, है ना, इस कार में बैठा के, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो हो ऑब्जर्वर की इधर की तरफ हो, अपोजिट जिधर ये चल रहा है उसके अपोजिट हो, और स्पीड वही 20 किलोमीटर पर आवर से दिखेगा. तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन से आप बताइए, एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपकी जनरल फीलिंग से, कि अगर ये इधर की तरफ 40 से जा रहा है, ये इधर 20 से जा रहा है, तो इधर जाने वाले को वो कितनी स्पीड से दिखेगा, 40 प्लस 20 60. ऑब्वियस सी बात है, सड़क पे आप चलेंगे तो आप एक डायरेक्शन में जा रही गाड़ी को अगर दूसरे डायरेक्शन में चल रही गाड़ी को देखते हैं, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में चल रही व्हीकल्स को आप जब वॉच करेंगे, तो आपको वो तेज चलता हुआ दिखता है, है ना, तो ये आपको 60 से दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो अब इसके केसेस देखते हैं और बेसिकली जब क्वेश्चंस में कैसे इसको अप्लाई करते हैं उसको समझते हैं. तो फर्स्ट केस जो आपका है, फर्स्ट केस में हमने केस क्या लिया, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा. सपोज एक बॉडी ए है, एक बॉडी
बी है, ये वी वी वेलोसिटी से चल रहा है इधर की तरफ, ये वी ए वेलोसिटी से चल रहा है, और ठीक है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जब मोशन का डायरेक्शन अगर सेम हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज बेसिकली वी ए माइनस वी बी। हमको ध्यान यही रखना है कि जब सेम डायरेक्शन में दो बॉडी चलेगा तो रिलेटिव स्पीड निकालना हो तो दोनों के वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे। दोनों के वेलोसिटी को जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। कंडीशन बस ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अच्छा, सेम कंसेप्ट अप्लीकेबल फॉर एक्सीलरेशन। सपोज इसका एक्सीलरेशन ए ए है और इसका एक्सीलरेशन ए बी है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन भी रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए ए ए माइनस ए बी, ठीक है, बेसिकली ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ए ए माइनस ए बी। तो एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट वही है रिलेटिव एक्सेलरेशन का जो हमारा वेलोसिटी का है। सेम डायरेक्शन में बॉडी चले, वेलोसिटी को ऐड करिए, अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी चले, वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन वाला भी हम लोग करेंगे, एक्सेलरेशन को भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब केस टू हम लोग देखते हैं, जब दो बॉडी एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट चलेगा, है ना, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, अगेन द केसेज आर सेम, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी वी इन दैट डायरेक्शन एंड दिस इज मूविंग इन अपोजिट टू वी डायरेक्शन ऑफ बी। अच्छा, इसमें एक केस ये भी हो सकता है, केस तो नहीं, बेसिकली इसमें भी हम लोग देखेंगे एक दूसरे वी ए और वी वी। अब यहां देखिए, दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, एक दूसरे के पास तो आ रहा है लेकिन फिर एक दूसरे से दूर चला जाएगा। दोनों केसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में वेलोसिटी एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ तो हमें दिख रहा है, यहाँ भी देखिए, अगर वेलोसिटी की सिर्फ वेलोसिटी एक भले ही एक दूसरे के पास आता हुआ दिख रहा है लेकिन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखेंगे तो ये इधर की तरफ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है। तो बेसिकली दोनों केस में रिलेटिव का जो कंसेप्ट हमारा होगा वो सेम होगा, इसलिए मैं एक ही केस में दोनों को बता रहा हूँ। तो यहाँ आपका वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज बेसिकली वी ए प्लस वी वी, एंड अगेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज ए ए प्लस ए बी। सो बस दो पॉइंट हमें ध्यान रखना है, पूरे ओवरऑल लेक्चर में दो पॉइंट ध्यान रखना है, जब बॉडी सेम डायरेक्शन में चले रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों के वेलोसिटी को, जब बॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले वी रिलेटिव निकालने के लिए हम ऐड कर देंगे दोनों की वेलोसिटी को, और कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम, है ना, जो कंसेप्ट हम लोग वेलोसिटी में निकालेंगे वही कंसेप्ट एक्सेलरेशन के लिए लगाएंगे। तो बस ये दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद हम अब कुछ न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करते हैं जिससे हमें और आइडिया लगेगा कि कैसे करते हैं। तो अभी हमने रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हमने इसका, अब उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं। यहाँ मैंने पूरा क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिखा है बट मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन, बेसिकली एग्जांपल वन जो हमारा है, दिस इज एग्जांपल वन एंड दिस इज एग्जांपल टू। एग्जांपल वन बेसिकली ये कह रहा है कि एक 210 मीटर का एक ट्रेन है, मान लेते हैं कि ये 210 मीटर का ट्रेन है, है ना, जो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक बर्ड, है ना, एक चिड़िया एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझिए। एक ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन पे चल रहा है, एक बर्ड इस ट्रेन के जस्ट ऊपर थोड़ा सा ऊपर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, और ट्रेन का जो लेंथ है वो 210 मीटर है। तो हमें फाइंड ये करना है कि ये बर्ड इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा, ये बर्ड इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा। तो सॉल्व करते हैं। अब बेसिकली रिलेटिव का कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया है, रिलेटिव में क्या होता है, जब दो बॉडी एक दूसरे के अपोजिट चले तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है। यहाँ देखिए, ट्रेन की स्पीड इधर है, बर्ड की स्पीड इधर है, तो दोनों का वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, रिलेटिव वी रिलेटिव, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी हमारा हो जाएगा 25
प्लस 530 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि रिलेटिव का कंसेप्ट, तो आप उसमें एक बार देख लेंगे, 25 प्लस 5 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड एंड हेयर डिस्प्लेसमेंट इज 210 मीटर, सो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हेयर वेलोसिटी इज 30, वी विल पुट द रिलेटिव वेलोसिटी नॉट द वेलोसिटी ऑफ आइदर ट्रेन और बर्ड, है ना। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन द टू बॉडीज आर मूविंग वी विल पुट रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। तो 30 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 210 बाई टी, तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड टी इक्वल टू 210 बाई 30, दैट इज 7 सेकेंड। तो दिस बर्ड विल टेक 7 सेकेंड टू क्रॉस द ट्रेन, ओके। आप इसे नोट कर ले, फिर मैं सेकेंड एग्जाम्पल एक और इस पर करवाता हूँ, होप नोट कर लिया होगा आपने। नाउ सॉल्व द सेकेंड एग्जाम्पल। द सेकेंड एग्जाम्पल सेज दैट अ पुलिसमैन, है ना, एक सेकेंड एग्जाम्पल फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। एक पुलिसमैन है जो 10 मीटर पर सेकेंड से, एक स्ट्रेट रोड आप मान लीजिए, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से, ये थीफ है और ये पुलिस है, ठीक है। ये चोर जो है, थीफ 9 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे 10 मीटर पर सेकेंड से उसका पीछा कर रही है। इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। हमें ये पता लगाना है कि टाइम, कितना टाइम बाद ये पुलिस इस थीफ को कैच करेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए पहले। 9 मीटर के स्पीड से एक थीफ भाग रहा है, उसके पीछे 10 मीटर के स्पीड से पुलिस भाग रही है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो ये पुलिस इस थीफ को कितने टाइम बाद पकड़ेगी। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात आपको दिख रहा होगा कि ये 10 से है और ये 9 से है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फास्ट चल रहा है तो थिप को तो पकड़ेगी ही। तो सबसे पहले पुलिस और थिप का वी रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो वी रिलेटिव विल बी 10 - 9, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी है, अच्छा दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट अपने पास दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर। सो अगेन द वी विल अप्लाई द सेम कंसेप्ट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड हेयर वेलोसिटी इज 1, डिस्प्लेसमेंट इज 100, सॉरी वेलोसिटी, हाँ ओके ठीक है, एंड टाइम इज टी, तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड टी इक्वल टू 100 सेकेंड। टाइम 100 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 100 सेकेंड ये टाइम हुआ आपका, 100 सेकेंड बाद ये पुलिस इस थिप को पकड़ेगी। तो आप कुछ बुक्स में इस तरह का और एग्जांपल आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक और मैं एक अच्छा एग्जांपल करवाता हूँ, इस पर रिलेटिव का तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल करते हैं, सपोज एक नल है, ठीक है, आप क्वेश्चन समझिए। एक नल है जहाँ से हर एक सेकेंड पे एक ड्रॉप फॉल होता है, ठीक है। तो हमें बताना है जब फिफ्थ ड्रॉप फॉल किया होगा उस समय हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप। अगेन दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, जनरली आस्क्ड इन एग्जाम्स, दैट एक नल है जिससे हर एक सेकेंड पे एक एक ड्रॉप करके टपक रही है, ठीक है, फॉल कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि जब यहाँ से पांचवा ड्रॉप फॉल किया होगा तब दूसरे और तीसरे के बीच, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज फिफ्थ ड्रॉप। जब फिफ्थ ड्रॉप यहाँ से फॉल किया होगा उस समय दूसरा ड्रॉप और तीसरे ड्रॉप के बीच डिस्टेंस क्या रहा होगा। अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारा फर्स्ट ड्रॉप था, ये सेकेंड ड्रॉप था, ये थर्ड ड्रॉप, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ ड्रॉप। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब फिफ्थ ड्रॉप यहाँ से गिर रहा होगा तो उस समय पहला ड्रॉप कितना सेकेंड चला होगा, हर एक सेकेंड पे एक ड्रॉप गिर रहा है, पांचवा ड्रॉप अभी गिरने वाला है, तो उस समय पहला ड्रॉप 4 सेकेंड ट्रेवल कर लिया होगा। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट ड्रॉप ने 4 सेकेंड ट्रेवल किया। तो अब ऑब्वियसली बात है हर ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस एक एक सेकेंड कम होगा क्योंकि हर ड्रॉप एक सेकेंड पे फॉल कर रहा है। तो चौथे सेकेंड पे ये है तो ये कितना चल चुका होगा, 3 सेकेंड। थर्ड ड्रॉप कितना चल चुका होगा, 2 सेकेंड।
अब बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि थर्ड और सेकेंड के बीच डिस्टेंस क्या है। तो हम डिस्टेंस ऑफ थर्ड ड्रॉप अगर पता लगाएं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लगाएं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर ड्रॉप जब नल से फॉल कर रहा होगा उस समय इनिशियल स्पीड हर ड्रॉप का जीरो रहा होगा, मतलब u इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। इस नल से जब ड्रॉप फॉल करने ही वाला होगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी हर ड्रॉप का जीरो रहा होगा और एक्सेलरेशन जीरो। तो थर्ड ड्रॉप के लिए अगर हम निकालने जाएं तो u इज जीरो है ना, देन u एंड t विल बिकम जीरो, अगेन हाफ एक्सेलरेशन इज 10 बिकॉज एक्सेलरेशन इज g एंड टाइम वी आर फाइंडिंग द टाइम डिस्टेंस ऑफ थर्ड ड्रॉप। सो थर्ड ड्रॉप इज हियर, थर्ड ड्रॉप विल टेक 2 सेकेंड, सो लेट्स राइट इट 2 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर। तो थर्ड ड्रॉप 20 मीटर चल चुका होगा। इसी तरह हम लोग सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो अगेन एस टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो सो यू एंड टी विल बिकम जीरो एंड 1/2 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 10 एंड सी सेकेंड ड्रॉप हैज ट्रेवल 3 सेकेंड सो वी विल राइट हेयर 3 × 3 दैट इज 45 मीटर। तो सेकेंड ड्रॉप ने चला 45 मीटर, थर्ड ड्रॉप में चला 20 मीटर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा s2 माइनस s3 दैट इज 45 माइनस 20 हेयर 25 मीटर। तो मैंने 3 एग्जांपल आपको कराया ठीक है। अब अगले फिर से मैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक का प्रोजेक्टाइल या काइनेमेटिक्स के और भी टॉपिक का वीडियो डालूंगा, तब तक आप इसका प्रैक्टिस करें।